विवान, विवान तू ठीक है ना? हाँ माँ, लेकिन देबू भैया, देबू, देबू, मम्मी, माँ, रे, damn it, मिस्टर मे, विवान बच गया, सब्र रे सब्र, मौका तो हम फिर बना लेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। भले ही वो विवान मेरे यंत्र से बच गया हो, लेकिन ये बड़ा बालवीर मेरे जाल में फंस चुका है। देबू भैया, माँ, देबू, अब इस देबू के खून से रे के शरीर से कवक के जहर का असर उतर जाएगा। देबू भैया, देबू भैया, देबू, देबू भैया, देबो, देबो भैया आप ठीक है ना? देबो, देबो, देबो आंखें खोलो, देबो। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। देबो ये क्या किया तुमने? विवान के सबके मुसीबत को अपने सर ले लिया। देबू, देबू उठो बेटा। प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करिए। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें देखती हूँ। अब आप सब चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। लेकिन प्लीज अब यहाँ सब लोग भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। हाँ प्लीज आप सब यहाँ से चलिए प्लीज। हाँ हाँ। देबू, अब मैडम आप ही जरा प्लीज। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं माँ हूँ इसकी, मुझे साथ रहना होगा ना इसके, कोई एक फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना साथ में। माँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ ना। विवान, लेकिन माँ प्लीज। एंड आई प्रॉमिस माँ, ये देवू भैया अपने पैरों पर चलकर घर वापस आएंगे। नहीं विवान, मैं माँ प्लीज, मैं रुक जाता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। मम्मी ठीक है, लेकिन मुझे फोन करके बताते रहना। हाँ देवू भैया, बाल बनी, देवू भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? बालवीर, चलिए चलिए स्वामी। रे, अब बिना रुके फुल स्पीड में सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए सीधा शिंकाई पहुंचेंगे। चलिए चलिए चलिए। मिर्सा, मिर्सा कहाँ? सुंदरी, मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। है? बैठो। सुंदरी जी मिल्सा, सुंदरी जी मिल्सा, अरे कहाँ गई मेरी सुंदरी? मिल्सा, मुझे जल्द से जल्द बालवीर का ये खून भंबाल श्री तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज तक हम जीत के इतने करीब नहीं पहुंचे हैं। मिल्सा मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन विवान के ऊपर वो यंत्र गिरने में समय बाकी नहीं था।
इसलिए मैं उसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चला गया था। हाँ तो स्वामी अब पछता के क्या होगा, जल्दी से यहाँ से चले, वरना जब हमारा गला कटने की बारी आएगी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिलसा हमें ही ढूंढने बाहर गई होगी, वो मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी। विकेंजा जाकर ढूंढो उसको। चल 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 चल। मैं क्यों जाऊँ स्वामी? स्वामी रे बीमार है, अब रे के इलाज पर ध्यान देते ना, आपकी लॉटरी का टिकट अब रे है। बिलसा को साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वो हमारे सारे राज जानती है। जा, जा। ना। जा। लेडी से कैसे बात करते, आता भी नहीं इनको। रे, तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो ना? यस मिस्टर मीर, आई कैन वेट। लेडी हम कहाँ जाने दीजिए। देवू भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान मैं ठीक हूँ। लेकिन वो डेन मलेश का मेरा खून निकल कर ले गए। What? लेकिन क्यों? बालवीर के खून में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। कहीं वो उसकी मदद से कोई शस्त्र तो नहीं बनाने वाली है। अब हमें उसे रोकना होगा। चलो। सुंदरी जी क्या है? सुंदरी जी आप विलन होके हीरोगिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारी जान खतरे में क्यों डाल रही है? मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही हूँ, बल्कि रे की जान बचाने का इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो महाताकतवर का खून। आई थिंक हम सबको अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए। लगता है आपके दिमाग को जरा ज्यादा ही झटका लग गया है। अरे जब आपका यंत्र विवान पर गिरा ही नहीं, वो ये विवान के शरीर से ये खून कहाँ से आया? सब बताती हूँ, अभी चलो। चलो सुंदरी जी, ये तो विवान के साथ यहाँ पर आ गए, आप क्या कर रहे हैं? ये लो, ये बंबाल श्री को देना, क्योंकि अभी तक विवान को तुम पे शक नहीं हुआ है। जाओ ना, मैं इन दोनों का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जाओ। बंबाल श्री का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि मिलसा ने अपना कर्ज पूरा किया। सच सच बताना, देवू भैया के ऊपर झूमर आपने गिराया था ना? हाँ, और किसमें इतनी हिम्मत है? देख, अगर विवान को सबक सिखा लेना, हाँ, उसके फैमिली को चोट पहुंचाओ। चिंटू का, चिंटी का, खुद का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोंटू। ए बुलडोजर, देखते नहीं चल सकते क्या? बुलडोजर किसको बोला? मैं तो मेगा ट्रक हूँ, और इस मेगा ट्रक से जो टकराएगा ना, वो पिछड़ा जाएगा। लेडीज़ को धमकी देते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वैसे मिस ब्रिगेंजा, आप एक खून से भरा हुआ इंजेक्शन कहाँ लेके जा रही थी? मोंटू भैया, कहीं मिस ब्रिगेंजा देवू भैया के लिए खून तो नहीं लेके जा रही? हेलो, क्या
पुसर पुसर हो रही है, इंजेक्शन दे दो। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे इस इंजेक्शन में अमृत हो। ए, वो जो भी हो मुझे मुझे इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन इंजेक्शन ये लो। चीज चीज बस ना प्लीज ना। बहुत हो गया मजाक। इंजेक्शन दे दो वरना मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दूंगी। मोंटू भैया अपन ये इंजेक्शन मिस्ब्रेक एंडर को वापस दे देते हैं, कहीं ये पापा को कंप्लेंट ना कर दे। पता चला अपना वापस दो दिन का खाना बंद। दे दो दे दो दे दो। आंटी जी अब तो खामखा सीरियस हो गए, हमें बस थोड़ा सा फन करने का मन किया ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ ले जाइए। फन हो गया। हाँ हो गया फन। फन तो हर फन। चलो बच गए। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? बालपरी अब देख लो ना, बालपरी आंखें खोले। अब तुम शक्तिहीन हो चुकी हो, बताओ मेरे खून का नमूना कहाँ है? रुको देवू भैया, बालपरी बालपरी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाकर उस मलिश्का को पकड़ो। तुमने सही सही सुना ब्रिगेंजा कि मिल्सा ने तुमसे यही कहा है? स्वामी मेरा कद छोटा है लेकिन मुझे सुनाई ऊंचा नहीं देता। मैंने सुंदरी जी को ये कहते हुए सुना कि ये खून किसी दूसरे महाताकतवर के शरीर का है। हाँ मिल्सा ने क्या नाम बताया उस दूसरे महाताकतवर का? कहाँ बताया, वो कुछ बता दी उसके पहले वहां पर विवान और उसके साथी आ गए। मिस्टर बी क्या आपको रियली लगता है इस सिरिंज में किसी सुपर पावरफुल बींग का ब्लड है?
ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। बोलो, बालवीर का खून लेने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? बोलो। बताओ कौन कौन है आपके साथ? बालपरी ये ऐसे नहीं बताएगी। आप इसकी तलाशी लीजिए, जरूर खून का नमूना इसके पास होगा। देवू मैया के ब्लड का सैंपल इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और देवू मैया का ब्लड ऑलरेडी इनके साथियों तक पहुंच चुका है। ओह नो, आई एम रेडी मिस्टर बी, लेट्स सी लेडियम हमसे दो स्टेप आगे है या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बालवीर का खून अभी किसके पास है ये तो पता नहीं लगा सकती हूं मैं, लेकिन हाँ उसका गलत इस्तेमाल होने से अभी शायद रोक सकती हूं। अभी मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। बालपरी क्या आप श्योर हैं आपकी मैजिक ने अपना काम किया होगा? बालवीर के खून का नमूना तो मैंने नष्ट कर दिया है, लेकिन अगर इससे पहले किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया हो तो मिल्सा ने आज मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अब जाकर उससे पूछना पड़ेगा कि वो दूसरा महाताकतवर कौन है।
मिस्टर बी, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय।